जो देखो मार्केट क्या लगता है मार्केट क्या लगता है निफ्टी क्या लगती है ये भाव में बैंक निफ्टी लेनी चाहिए नहीं ले आपने मार्केट को कितने साल से स्टडी किया आपकी स्टडी कितनी है क्या है उस पर तो तो step step तो नज़र डालें लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड स्टेप स्टेप बाय हाउ टू मूव मैम मेरे को लगता है ये एकदम इंट्राडे की मास्टर क्लास होने वाली है तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे इनफैक्ट कोई बिगिनर है उसके लिए तो बहुत हेल्पफुल है लेकिन निफ्टी में ट्रेड करें या नहीं करें वो सेकेंडरी है लेकिन निफ्टी से रिलेटेड स्टॉक्स जो है उसके मूवमेंट हम देख सकते हैं अच्छा कुछ रूल्स होते हैं ट्रेडिंग जो हम कभी कभी इग्नोर कर जाते हैं, वो दो बार प्रॉफिट देखे जाएगा लेकिन आठ बार लॉस देखे जाएगा तो हम ये कोई भी स्टॉक में ले सकते हैं जो हमारी पसंद का हो ऐसा कोई निफ्टी 500 पसंद नहीं होती मेरी स्टडी में जो आएगा अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आप इंट्राडे छोड़ दो हेलो एवरीवन आप सभी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि हमें इंट्रा ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ करना है सो इंट्रा ट्रेडिंग में बेसिकली कुछ ऐसा होता है कि हम मार्केट से डेली कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़े प्रॉफिट्स कमाने की कोशिश करते हैं एंड uh, उसमें हम पोजीशंस नेक्स्ट डे पे नहीं लेके जाकर उसी दिन में पोजिशन भी क्लोज कर देते हैं ताकि वो ओवर रिस्क वाला सिचुएशन भी हमारा कैंसिल ऑफ हो जाता है तो यही आज सीखने के लिए हम ज्योति मैम के साथ आए हैं और ये स्ट्रैटेजी वो है जिसके बेसिस पे मैम खुद भी आज तक ट्रेड लेते हैं तो आज आइए हम वो एक स्ट्रैटेजी सीखते हैं मैम से वेलकम मैम नमस्ते मैम आपको इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत है नहीं मेरे को लगता नहीं जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो ज्योति मैम आज आप हमें एक इंट्राडे की स्ट्रैटेजी सिखाइए जिसमें हम मॉर्निंग में आइडेंटिफाई कर पाएंगे ट्रेड्स कैसे लेने हैं और क्या हम उसे कैश में लेंगे किस में लेंगे derivatives में लेंगे कैसे लेंगे थोड़ा एक ओवरव्यू दे सकते हैं बिल्कुल देखो ऐसा है सबसे पहले मैं मार्केट को मिनट वॉच करती हूँ क्या है ओके okay. मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अप है या और डाउन राइट चेंज तो होते रहता है दैट इज द डिफरेंट थिंग लेकिन ट्रेंड किस साइड है अप है कि डाउन है ये देखना बहुत ज़रूरी रहता है अब अगर अप ट्रेंड है तो मैं कोशिश करूँगी कि अप ट्रेंड वाले ट्रेड्स निकालूँ और अगर डाउन है तो मैं कोशिश करूँगी कि डाउन ट्रेंड वाले ट्रेड्स निकालूँ रही बात कैश हो एफ एंड हो कोई भी चीज़ हो कहीं भी आप ट्रेड ले सकते हो इन शॉर्ट जहाँ ट्रेड मिले हम वहाँ ट्रेड लेंगे बट वन थिंग आई वुड से इफ़ यू आर अ न्यू पर्सन और यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड स्टार्ट विथ कैश अगर आपको बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस नहीं है नए हो एकदम से एक्सपर्टीज नहीं है तो कैश से स्टार्ट करो बहुत ही छोटी क्वान्टिटी से स्टार्ट करो मैं जानती हूँ आपका ये कहोगे कि ब्रोकरेज ही भारी पड़ जाएगी ब्रोकरेज ही भारी पड़ेगी ना लॉस तो भारी नहीं पड़ेगा क्या भारी पड़ता है ब्रोकरेज ज़्यादा भारी पड़ती है कि लॉस ज़्यादा भारी पड़ता है आज आपने बड़ा ट्रेड ले लिया ब्रोकरेज की लालच में आके तो लॉस भारी पड़ सकता है तो ब्रोकरेज दे दो लेकिन हम अभी लॉस प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि जो हम स्टडी करके ट्रेड ले रहे हैं वो हमारा राइट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है तो वहाँ हम छोटी छोटी एक एक क्वांटिटी दो दो क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं नॉट लॉट क्वांटिटी अगर दस में से आठ ट्रेड हमारे सही गए तो हम क्वांटिटी डबल करते हैं फिर उसका डबल करते हैं फिर उसका डबल करते हैं फिर, है, फिर एक दिन आता है कि हम एक लॉट से काम कर सकते हैं मतलब जब तक हम उस एरिया में पहुँचते हैं तब तक हम ये सारे इमोशन से गुजर चुके रहते हैं कि अरे अब गया ऊपर गया, गया नीचे गया ऊपर गया नीचे गया एम टू एम मतलब एक बात कहती हूँ हर एक का इंट्राडे हो या डेली हो या डिलीवरी हो या पोजिशन करने का एक तरीका होता है प्रॉब्लम कहाँ आती है साइकोलॉजिकल इमोशनल प्रॉब्लम्स आती है जहाँ वो स्टॉप लॉस के साथ अपने आप को हिट नहीं कर पाते प्रॉफिट्स जल्दी बुक कर लेते हैं या टारगेट आने पे भी होल्ड करते हैं तो जानते हैं हर एक जन अपने अपने तरीके से जानता है कि ट्रेड कैसे लेना है लेकिन सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो ये है कि स्टॉप लॉस और इमोशंस पे कंट्रोल ना होना दूसरा एक और चीज़ ध्यान रखना है कि आप पोजीशन लोगे कितनी मेरी अभी अपने ही एक स्टूडेंट से बात हो रही थी अब सर्च के तो उनका था कि भाई मैंने इतने लाख रुपए खो दिए बोले मैं पचास पचास लॉट बैंक निफ्टी के ही काम करता था मैंने कहा आपको ऑप्शन के बारे में कितना मालूम है बोला बस मैंने स्टार्टि ऑप्शन से क्या उन्हें कहा वही मैं पूछ रही हूँ कि आपको ऑप्शन के बारे में कितनी नॉलेज है बोले नॉलेज कुछ नहीं मैंने कहा नॉलेज नहीं फिर भी आप सीधा बैंक निफ्टी और वो भी पचास लॉट तो द तो थिंग इज जब आप मार्केट के बारे में जानते ही नहीं हो और सीधा ऑप्शंस में आते हैं और वो भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं वो भी पचास लॉट पे तो मतलब व्हाट डू यू थिंक कि मतलब आप अकेले ही मार्केट से पैसा निकाल के ले जाओगे बाकी जो सालों से यहाँ पे हैं वो तो स्लोली स्लोली पहले आप स्टडी के बेस पे कैश में ट्रेड करना सीखो एटलीस्ट साल दो साल उसके बाद ऑप्शंस को हाथ लगाओ डायरेक्टली ऑप्शन को हाथ मत लगाओ तो मैम मेरे को लगता है ये एकदम इंट्राडे की मास्टर क्लास होने वाली है तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे इनफैक्ट कोई बिगिनर है उसके लिए तो बहुत हेल्पफुल है और प्लस जो मेरे को लगता है कोई बहुत टाइम से कर रहा है उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि इसमें साइकोलॉजिकल पॉइंट्स जो आप बता रही है वो आई गेस वो उनको हेल्प करेगा इम्प्रूव करने में तो हम एकदम शुरू से शुरू करते हैं कि पहले तो कैश में ही ट्रेड्स लेने का ट्राई करना है अगर आप नए हो मार्केट्स में एंड छोटी क्वान्टिटीज़ के साथ उसमें भी तो जैसा कि आपने बताया कि आप पहले मार्केट का ट्रेंड देखते हैं तो हम सवा नौ मार्केट खुलती है तो सवा नौ से साढ़े नौ तक हम सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो उस ऑब्जर्वेशन में हमें कौन से कौन से पॉइंट्स को हमें देखना है है कि मार्केट तो वॉलेटाइल होता है तो आपको शुरू के पंद्रह मिनट में समझ में आ जाता है कि हाई लो का जो डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है तो आपको समझ में आ जाता है कि मार्केट का मूवमेंट जो है ना वो ऐसे 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 हो जाता है पंद्रह मिनट में

अरे वो टिकने तो दो उसको दस मिनट वो टिक ही नहीं रहा है ठक करके नीचे आ गया फिर तुरंत ऊपर चला गया तो जो उसको टिकने दो तो, तो कम से कम ठीक है तो ये तो रहा कि हम इंडेक्स देख रहे हैं उसके अलावा और कोई पॉइंट है देख है देखिए ऐसा कि अगर आप मुझसे वापस निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करोगे तो अल्टीमेटली तो आ गए आप पे आ, अच्छा नहीं नहीं आ, मैं तो इंडेक्स से शुरू कर रहा था कि तो इंडेक्स में जब आप बात करोगे तो अल्टीमेटली आप आ गए से चलो अब गए हर एक दिमाग में ये ही चीज आती है और वो इसी से बात करके और ऑप्शंस और एफएनओ पर ही बात करता है मुझसे कोई भी डायरेक्टली स्टॉक्स की बात क्यों नहीं करते जो देखो मार्केट क्या लगता है मार्केट क्या लगता है निफ्टी क्या लगती है ये भाव में बैंक निफ्टी लेनी चाहिए नहीं ले आपने मार्केट को कितने साल से स्टडी किया आपकी स्टडी कितनी है क्या है उस पर तो नजर डाले तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप हाउ टू मूव तो मार्केट अप एंड डाउन ओके ये हमारा पहला पॉइंट है जो हम देखेंगे फिर हम निफ्टी तो देखेंगे ही और उसके साथ साथ सेक्टोरल निफ्टी इसलिए देखेंगे क्योंकि निफ्टी हमको मार्केट का गाइडेंस देगी लेकिन निफ्टी में ट्रेड करें या नहीं करें वो सेकेंडरी है लेकिन निफ्टी से रिलेटेड स्टॉक्स जो है उसके मूवमेंट हम देख सकते हैं तो सेक्टोरल इंडाइसेस हम देख सकते हैं कि आज कौन से सेक्टर में मूवमेंट है नहीं है ठीक है हम यहाँ पे इंडेक्स खोलते हैं और हम देख लेते हैं कि सारे इंडेक्स ये वाले हैं राइट right? तो आज आईटी ऊपर है हेल्थ ऊपर है फार्मा ऊपर है मार्केट बस क्लोज होने ही वाला है इसलिए आपको ये फ्लैशेस दिख रहे हैं, तो आईटी पे हम क्लिक करेंगे अब आईटी अगर हम देखें तो आईटी आज सुबह से ऊपर है यस, तो आईटी के स्टॉक्स हम चूज करेंगे जैसे इंफोसिस हुआ टीसीएस हुआ फ्रंटलाइनर्स जो स्टॉक है जो इंडेक्स को पूरा ऊपर खींच रहे हाँ हाई वेटेज वाले स्टॉक्स हम देखेंगे उसके बाद हम कैश वाले जो आईटी स्टॉक्स हैं उनको देख सकते हैं तो अब आप ये देखेंगे कि मैंने यहाँ पे दो सबग्राफ बनाए हैं एक आर एस आई और एक एम एस सी डी है तो मेरे जो पैरामीटर्स की स्टडी है और मेरा जो स्टाइल है मुझे चाहिए डे ओपन एंड लो नियर बाय अगर मैं बाय कर रही हूँ तो ओपन मतलब जैसे अभी हम बात करते हैं कि वन फोर सेवन जीरो पे ओपन हुआ वन फोर सेवन जीरो लो है तो ये ओपन एंड लो सेम हो गया यस yes. और अगर हम कहते हैं वन फोर सेवन जीरो ओपन हुआ है और वन फोर से सिक्स जीरो लो है तो जो हाफ परसेंट टू पॉइंट सेवन फाइव परसेंट के आसपास अगर कुछ रहता है तो मैं नियर कहती हूँ क्यों कि जो हैं बहुत होते जैसे ही ओपन होते हैं फ्लिक है, के साथ ऊपर नीचे हो जाते हैं हमें कभी कभी दिखाई भी नहीं देता इतना फ्लिक के साथ वो तो ऊपर नीचे होते हैं तो हम जो है थोड़ा बहुत उसमें मार्जिन या बफर लेके चलेंगे तो बेटर रहेगा स्टॉपलॉस बिलो डेज लो ये होगा स्टॉप लॉस ये स्टॉप लॉस विदाउट स्टॉप लॉस तो कोई ट्रेड होगा ही नहीं अच्छा कुछ रूल्स होते हैं इंट्राडे के जो हम कभी कभी इग्नोर कर जाते हैं कभी कभी नहीं मैक्सिमम इग्नोर कर जाते हैं okay. और सबसे बड़ा लॉस का कारण भी वो ही होता है वो दो बार प्रॉफिट देके जाएगा लेकिन आठ बार लॉस देके जाएगा क्या होता है जब मैं लॉस में होती हूँ ना तो पोजीशन काटने का मन नहीं होता चलो घर ले जाते हैं भाई जब कैश में लेते तो डिलीवरी ही एक ठीक है एक दिन की डिलीवरी ले लेते हैं कल देखेंगे और दूसरे दिन संजोक से वो ऊपर खुल जाता है मुझे प्रॉफिट हो जाता है अब मुझे उसकी आदत लग गई एक बार हो गया ना तो लेकिन ऐसा रोज नहीं होता इसलिए एक रूल है इंट्राडे है तो वो इंट्राडे खत्म होना ही चाहिए मार्केट बंद बाद में होता है पहले आपकी पोजीशन क्लोज होनी चाहिए अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आप इंट्राडे छोड़ दो आई एम वेरी रिजिड ऑन दैट कुछ ऐसे रूल्स हैं कि जो अगर आप फॉलो नहीं कर सकते तो मैं पैसा डुबाने से अच्छा है मार्केट छोड़ दो। है तो आज नहीं तो कल आपके स्टॉक्स ऊपर बढ़ ही जाते हैं तो ये बहुत तो मुश्किल हो जाता है ऐसा सेटअप अपने ऐसा रूल अपने सेटअप में लाना ऑफिस बराबर जाते हो बिल्कुल साढ़े नौ बजे क्यों, क्यों बारह एक बजे आराम से आया करो बाकी सबके हिसाब से भी चलना होता है वो एक रूल है रूल है ऑफिस का और क्या क्या रूल्स से ऑफिस के बस आने का ही टाइम रहता है जाने का थोड़ी ना रूल रहता है वो ठीक है नहीं ऑफिस के और क्या रूल आने के बाद आराम से बैठ सकते हो मोबाइल पे चैट कर सकते हो नहीं नहीं तो उसके बाद तो काम करना है कितने काम आज के कल पे छोड़ के जाते हो कोशिश तो यही रहती है कि उसी दिन सारे खत्म हो जाए अगर और अगर वो टारगेट बेस्ड हो तो टारगेट बेस्ड हो तो कोशिश रहे कि फिर फिर तो आज ही करना है आज ही करना है ना तो कल नहीं चलेगा ना ऑप्शन ही नहीं है नहीं है ना तो मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो, है। मतलब ये क्या बात हुई कि जहाँ पे तुमको फोर्स किया जाए वो तुम करोगे और जहाँ तुम अपने मन की चला सकते हो वहाँ चलाओगे क्यों क्योंकि यहाँ पे तुमको बोलने वाला कोई नहीं है स्कूल में तुम अपने बच्चों को बोलते हो कल का होमवर्क है आज करके ही सोना है बोलते हो ना तो फिर तुमको तो अगर ये हो गया कि इंट्रा डे पोजिशन है तो घर क्यों गई अगर कोई सिस्टम तुमने सेट किया है अपने घर के लिए अपने ऑफिस के लिए अपने स्टाफ के लिए सब लोगों के लिए तो वो तुम पे भी तुम कोई सिस्टम्स है वो तुमको अपने ऊपर भी सेट करना ही करना पड़ेगा मैं इसके ऊपर कुछ नहीं सुन सकती सॉरी ओके मैम मैम इसी दौरान जब मैं सवाल पूछा था तो टारगेट एक वर्ड आया था तो इसमें हमारा इंटरडे में क्या टारगेट होगा टारगेट तो देखो ऐसा है स्टॉप लॉस मेरे हाथ में है hmm. मुझे पता है स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है ठीक है लेकिन टारगेट मुझे नहीं पता हाँ तो क्या मैं टारगेट को राइड कर सकती हूँ नहीं hmm. hmm. टारगेट्स हम राइड कर सकते हैं क्या उस पर ज्यादा हमारा ध्यान रहता है हम क्या करते हैं जो जनरल आप हैं या कोई भी टारगेट फट से हिट करते हैं स्टॉप लॉस पे खड़े रहते हैं तो लेटेस्ट से मैंने वन फोर सेवन जीरो पे बाइक किया स्टॉप लॉस कितना है 1460 जो हमारा लो है लो वन फोर सिक्स जीरो था तो वन फोर फाइव फाइव हम कर दें वन फोर फाइव फाइव हमारा एस एल है ठीक है कितना डिफरेंस है एक परसेंट जैसा मैम पंद्रह पॉइंट पंद्रह पॉइंट हाँ वो एक परसेंट जैसा परसेंट में बात नहीं करो रुपए में रुपए में वन फोर सेवन जीरो प्लस पंद्रह रुपया कितना हुआ वन फोर तो वन फोर मैं बुकिंग के लिए डाल देती हूँ ओके okay. तो ये कुछ लगभग वन इज टू वन जैसे ही रहेगा पहला टारगेट वन इज टू वन है इंट्राडे उसका सबसे बड़ा रीजन ये है ये मेरा स्टॉप लॉस का कवरेज है ओके okay. अगर मार्केट गिर जाता है फ्लैश क्रैश ये हिट को सिस्टम में रहेगा hmm. अगर फ्लैश क्रैश आया और मेरा निकल भी गया तो मुझे लॉस तो नहीं होगा ये फ्लैश क्रैश का हाँ फ्लैश क्रैश यानी कभी कभी आप देखते होंगे कि मार्केट में अचानक से जोर से भाव कब आके चला गया नीचे अपने को पता नहीं चलता है hmm. या एकदम जोर से नीचे गिरना शुरू हो जाता है जब तक हमारी समझ में आए हम ऑर्डर डाले तब तक और दस बीस पच्चीस पचास रुपए नीचे चला जाता है तो वो जो क्रैश है उस क्रैश में हमारा शेयर ले जा सकता है वो okay. तो हम फिर भी नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल गए लॉस हो गया तो हमारा पंद्रह रुपए का एसएल था ही hmm. लेकिन प्रॉफिट हो गया तो क्या हम ये अपना स्टॉप लॉस कवरेज ले लिए hmm. राइट अब इसके ऊपर और मैं फिफ्टीन रुपीज एड कर देती हूँ तो कितना हो गया 1500. तो इसमें मैं पच्चीस टका और बेच दूंगी okay. उसके बाद मैं खड़ी हो जाऊंगी और लास्ट में अपने आप या तो कोई रिवर्सल दिखेगा तो या खड़े रहेंगे जब तक अच्छा एक राइड जब तक राइड ऊपर रहे जब राइड तक राइड मतलब 320 तक जो भी ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा तब भी चलेगा और नहीं तो हमारा हिटेन को तो ही है ही हमारे हाथ में लॉस क्योंकि तो, हमने और भी 25 बुक कर लिया ना तो लॉस का तो चांस ही नहीं है अगर ऊपर जा ही रहा है रिवर्सल का समझो समझ में आ गया तो हम बुक कर लेंगे नहीं समझ में आया तो तीन बीस पर जो भी क्लोजिंग टाइम पे ऑटो स्क्वायर ऑफ में चला जाएगा मेरा ये तरीका है तो मतलब पहला हम फर्स्ट चांस में हमारा एक तरीके से स्टॉप लॉस से हमें प्रोटेक्ट कर रहे हमारा कि अगर उधर वापिस चला जाए तो भी हम मुझे सबसे बड़ा डर मार्केट से क्या लगता है मार्केट मेरा पैसा नहीं ले जाए क्या होता है एक बात बोलू तुमने सुना होगा ना कई लोगों से कि भाई मेरा लॉस तो बहुत बड़ा हो गया लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है उनकी वो ना, ना तो घर पे किसी को बोल पाते मेरा लॉस हो गया, ना फ्रेंड्स को बोल सकते मेरा लॉस हो गया, ना किसी और को बोल सकते वो अंदर ही अंदर घुटते रहते मैं किससे बात करूं कि मेरा लॉस क्यों हुआ तो ये जो चीज होती है ना ये बहुत परेशान करती है लॉस हो गया लॉस हो गया लेकिन किसको बोलूं घर पे बताया तो पता चल जाएगा कि भाई मेरा लॉस हो गया तो वो जो चीज़ है सबसे पहला मुझे उससे जो डर लगता है ना उसको मुझे पहले कंट्रोल करना है मुझे वो कवर करना है ओके okay. अब बताइए मैं टारगेट को राइड कर सकती हूँ बैलेंस ट्वेंटी फाइव को बिल्कुल मैम भले ही बहुत छोटा नंबर होगा इनिशियली भले ही छोटा होगा मान लो मैंने चार शेयर लिया हो या पाँच शेयर से काम किया हो तो उसमें कर सकते हैं ना इस तरह से इसमें क्या होता है कभी कभी कोई कोई शेयर दस दस यूसी तक भी चला जाता है अपर सर्किट तक okay. तो ऐसी सिचुएशन में आप अपर सर्किट में भी निकल सकते होता है ना hmm. कभी और नहीं तो जब आपको लगे कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल लो मतलब जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो डाल लो वहाँ पे डाल दो बैलेंस जो आपको ठीक लगे बट मैम क्या हमें इनिशियल ट्रेड्स हमारे स्मॉल कैप मिड कैप में देखने चाहिए

हम जो शेयर लेते हैं उसमें ही गिरावट बहुत तेजी से आती है सबको पता चल जाता है कि मैंने लिया है हाँ। हाँ। और मेरे ही उसी शेयर से सबको दुश्मनी है सही बात है हाँ। तो हम ये कोई भी स्टॉक में ले सकते हैं जो हमारी पसंद का हो ऐसा कोई निफ्टी फाइव 500... हंड्रेड नहीं होती मेरी स्टडी में जो आएगा बिल्कुल सॉरी मेरी स्टडी में जो जो आएगा हाँ। जो हमारे सेटअप में आएगा बिल्कुल ठीक है मैम ये पसंद वगैरह मैं नहीं जानती कि पसंद के हिसाब से मैं शेयर सिलेक्ट कर सकती हूँ लेकिन ट्रेड उसी में करूंगी जिसमें हमारा सेटअप हमारी स्टडी बताएगी तो भाई वो सेटअप को हम हैं तो वो और वो अगर वो सब जगह चलता है वही असली सेटअप होता है जो सेटअप खाली एक ही जगह चल रहा है दूसरे पे नहीं चलेगा तो उस पर मुझे काम नहीं करना जहाँ वो चलेगा का काम करना है आपसे एक जरूरी बात करनी है इंट्राडे ये सबसे मुश्किल ट्रेडिंग स्टाइल है डिसीजन लेने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता और आजकल वोलाटिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो गई है पर अगर आपने सही स्ट्रेटजी के साथ और डिसिप्लिन के साथ अपना रिस्क मैनेज किया है तो आप भी मेरी तरह एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं अपसर्स डॉट क्लब के इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स में मैंने अपने तीन फेवरेट इंट्राडे स्ट्रेटेजी सिखाई है और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी कवर किया है ये कोर्स एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है जिससे आप सब वो स्ट्रेटेजी सीख सकें इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आज ही इसमें एनरोल कीजिए चलो अब वापस चलकर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ओके okay? तो मैं देखती हूं सबसे पहले डेली RSI अबाउ फिफ्टी मिनिमम फिफ्टी चाहिए ओके एम ए सी डी में एक ज़ीरो लाइन होती है और ये अबाउ ज़ीरो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव जोन है तो इसमें मुझे बुलिश में बुलिश क्रॉस ओवर चाहिए ओके okay. मतलब पॉजिटिव में ही पॉजिटिव क्रॉस ओवर चाहिए तभी मैं ट्रेड लूंगी प्लस ओपन एंड लो नियर बाय ठीक है तो ये कुछ तीन क्राइटेरिया हो गए हमारे ये तीन हो गया विथ स्टॉप लॉस और प्रोसीजर वैसा ही रहेगा ट्रेड का इसके साथ में हम थर्टी मिनट्स को भी मैच करेंगे टाइम में यस थर्टी मिनट्स में भी अगर देखेंगे तो आर एस आई विल बी अबाउ फिफ्टी और इट मोस्टली तो इट इज अबाउ सिक्सटी फाइव सेवेंटी ओनली बट या सिक्सटी के ऊपर तो रहेगा ही रहेगा बट अगर बाई चांस थर्टी मिनट्स में वो बिलो फिफ्टी है तो मुझे नहीं करना थर्टी मिनट्स में अगर तो बिलो 50 है तो नहीं, नहीं करूँगी okay. मतलब लोअर टाइम फ्रेम इज नॉट सपोर्टिंग मी ना येट तो स्पीड नहीं आएगी मुझे आई मे मिस मेनी ट्रेड्स ऐसा नहीं है बाद में हो सकता है आई मे मिस मेनी ट्रेड्स बट ये मेरा सेटअप है मैंने बनाया है मुझे इसमें एक दो ट्रेड दिन के मिल जाए आई एम हैप्पी ओके और एम ए सी डी बुलिश जोन बुलिश इसमें हम क्रॉसओवर की तलाश नहीं करेंगे क्रॉसओवर ही रहेगा ना क्रॉसओवर होना ही चाहिए हाँ बुलिश क्रॉसओवर सिस्टम वही रहेगा मैं उसको लोअर में भी कंफर्म कर रही हूँ okay. अगर वो नहीं हो रहा है तो आई विल नॉट गो अगर इसके साथ कोई स्विंग पैटर्न मिल गया जैसे राउंडिंग बॉटम हुआ या फ्लैग हुआ ऐसा कुछ भी हो गया तो दैट इज एन एडेड एडवांटेज कप एंड हैंडल हो गया एंड ऑल दैट स्टफ हो गया तो मतलब दैट इज एन एडेड एडवांटेज राइट तो इस तरह से मैं चलते जाऊंगी और इसके बेस पे काम करते जाऊंगी ठीक है कैश में अस से सबसे पहले जैसे अभी हमने इंडेक्स से स्टार्ट किया hmm. तो ब्रॉडर मार्केट क्या कह रहा है पॉजिटिव किस चीज़ का आईटी आईटी तो आई में मैं इन्फोसिस निकालू तो इन्फोसिस क्या इन्फोसिस में मुझे पॉजिटिव क्रॉसओवर मिल रहा है यस yes, मैम और बुलिश, आ, आ, बुलिश में आर एस आई भी अब फिफ्टी है yes, क्या ये आज ओपन एंड लो सेम है यहाँ देखेंगे हम तो अब मुझे बताइए ये यह देखिए यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज है तो ओपन क्या है मैम ओपन 1906 है और लो लो मैम 1897 है व्हिच इज हाँ हाफ हाँ परसेंट जैसा ही है तो नियर बाय कह सकते हैं नियर बाय कह सकते हैं ठीक है अब इसी को मैं 30 मिनट्स में लेती हूं 30 मिनट्स में क्या इसको हम कट करें और यहाँ पे अगर हम आते हैं तो क्या ये बुलिश में बुलिश ही है बिल्कुल ये भी सेवेंटी के ऊपर है आर एस आई राइट लेकिन ओपन लो कहा मिला मुझे या। one, nine, ओके मैम। तो हम थर्टी मिनट में भी वो ओपन अगर मिल जाए तो बेस्ट है ढूंढेंगे ठीक है मिल जाए तो बेस्ट है नहीं तो फिर मैं और इसका हाई भी या फिर इसका प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ेगा तो भी मैं ले लूंगी ओके okay, तो ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो लोग भी नोटबुक लेके नहीं बैठे ले हैं प्लीज लेके बैठिए मेरी तरह हाँ। तो अब आप खुद देखो ये आज हम लोग ने किया था ना लाइव सेशन में क्लासरूम में उसी पे आने वाला था मैम मैं, मैं कि आपने आज जो लाइव सेशन में ये ट्रेड दिखाया था इसी के बेसिस पे लिया गया था

मैं देखूंगी हाँ कर दूंगी ठीक है तो मतलब लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड करके मुझसे शेयर हाँ हाँ हाँ, पहले ही शेयर करके और फिर जैसे अगर आपका हाँ आया तो फिर मैं उसमें फिर ट्रेड ले लूंगा हाँ मतलब और अगर रहा अच्छा रहा तो मैं खुद आपके साथ उस ट्रेड में लूंगी आपके साथ में क्या बात है तो आपको आपका भी और दूसरे लोगों का भी थोड़ा क्योंकि मैं जब साथ में आपके लेती हूँ तो लॉस प्रॉफिट इज इन मटीरियल हमारा सेटअप बराबर चल रहा है तो प्रॉफिट आ जाता है तो मैम मेरे को ऐसा लगता है कि कई लोगों को ऐसे कुछ ग्रुप्स में ज्वाइन करना होगा तो जिन लोगों को भी ऐसे टाइप के ग्रुप्स में ज्वाइन होना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है जहाँ पे मैम के साथ आप एनालिसिस कर सकते हो स्टडी कर सकते हो अपने ट्रेड्स रिव्यू करवा सकते हो जहाँ पे आपकी जो गलतियाँ हैं जब लाइव मार्केट्स में ऐसा जो कहते हैं ना कि हमें कोई जो लाइव मार्केट में करके दिखाओ या उस टाइम पर बताओ वहाँ पर क्या एक मैंटॉर की जो कमी होती है वो फुलफ़िल करने की कोशिश है इस प्रोग्राम के रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ कंफ्यूजन हो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं हम आपको कॉल करके गाइड कर आप लिखते जाना और मुझे बताते जाना बिल्कुल मैम हमने कितने में ट्रेड लिया, 1910? 1910 में हमने, ट्रेड लिया। हमने क्या स्टॉप लॉस डाला हमने हमारा

मैं सारे ये ऑर्डर्स जो है ना वो धन के सिस्टम पे डायरेक्टली डाल के छोड़ देती हूँ ओके राइट क्लिक करके और उसमें धन पे डायरेक्टली डाल के छोड़ देती हूँ okay. ट्रेडिंग व्यू के थ्रू ठीक है तो चार्ट्स में हमारे ऑर्डर डल जाते हैं हाँ हाँ तो ये डालने की जरूरत ये देखिए यहाँ पे मैं गई और ट्रेड लिखा है अब मैं ट्रेडिंग व्यू में हूँ हाँ यहाँ पे मैं गई तो अभी इसका मैं सेल कितने में डालू? वन नाइन टू फाइव पे मैं ट्वेंटी परसेंट वन नाइन टू फाइव ओके वन नाइन टू फाइव अगर ये ऐसे नहीं चाहता है मैं यहाँ जाऊँगी और इसको सेटिंग्स में जाके वन नाइन टू फाइव कर दूंगी ओके okay, अब वो एग्जैक्टली exactly जाके वहां पे पिन अप हो गया ये हो गया अब इसके बाद और पंद्रह रुपया कितना होता है माम वन जीरो। वन जीरो। जीरो। ये हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा यस yes, अलर्ट पे डाल देंगे हम इसको ठीक है अच्छा अभी हम दूसरा अलर्ट हमारा वन नाइन फोर जीरो के आसपास डाल देते हैं ठीक है तो कितना हो गया मेरा ये मेरा स्टॉप लॉस कवरेज हो गया hmm. और ये मेरा और ट्वेंटी फाइव परसेंट बुकिंग हो गया okay. जब मेरा अगर ये बुक हो जाता है तो मैं हो इस स्टॉप लॉस को यहाँ पे ला सकती हूँ बाई प्राइस पे लॉस okay. होने का चांस ही नहीं है अब हम स्टॉप लॉस भी ये ऊपर शिफ्ट कर देंगे अभी नहीं पहले अभी देखे देखो जो मैंने ट्रेड लिया था ना उसका उसका मूवमेंट देखो तुम तो. देखो गया hmm. गया तो सब गया अब मेरे पास ट्वेंटी फाइव बच्चे हैं राइटी फाइव परसेंट जो बच्चा है हाँ, मैं यहाँ से उठा के अपने स्टॉप लॉस को बाय प्राइस पे ले जाती हूँ ठीक है तो अब मेरा मतलब एक तरीके से लॉस होने का जीरो हो गया लॉस बिल्कुल जीरो हो गया जीरो मैं प्रॉफिट में ही रहूंगी हाँ, लॉस तो छोड़ दो प्रॉफिट में ही रहूंगी ठीक हाँ, है अब ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑटो चला जाएगा या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट जो भाव में लिया था उसमें निकल जाएगा देखिए क्या भाव में ऑटो स्क्वायर ऑफ हुआ वन नाइन थ्री, थ्री फाइव समझ लो तो अल्टीमेटली प्रॉफिट ही हुआ यस मैम लॉस नहीं हुआ नहीं। तो सिस्टम सिस्टम है अभी इसमें मैं और एक काम क्या करती हूँ कि लेटर से ये आप अपना ट्रेड था ये मेरा स्टॉप लॉस था तो मैं ये बाय जब डालती हूँ ट्रेड में जाके बाय इन्फी कर देती हूँ और यहाँ पे धन करके मैं उसमें से कनेक्ट करके और डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ है। तो तो है। है, उस करते हैं और सारा सिस्टम इसी पे से बैठा के उसमें डाल दें तो आपको आगे ध्यान रखने की जरूरत नहीं अपना काम करो एक चीज जो मैंने देखी है वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं ना ट्रेड लेने के बाद बैठे बैठे उसी को देखते रहते हैं क्यों दूसरा ट्रेड ढूंढो ढूंढो मेहनत करो तो मैम हमारे दूसरे सवाल पर आते हैं कि ऐसे ट्रेड्स का कोई स्कैनर बनाना चाहिए या मैन्युअली स्कैन अगर आपको स्कैनर देखो मैंने एक स्कैनर का वीडियो बनाया था एमएसीडी विद आरएसआई तो वो वाला यूज कर लो ठीक है तो उसमें डेली और उसके साथ में 30 मिनट्स जिसको भी वो वीडियो देखना है आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो पे जा सकते हैं भले इस वीडियो के बाद जाइएगा ताकि आप स्कैनर बाद में समझे ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद तो मैम वो उससे हम स्कैनर बना लेंगे उसका एंड हमें रन करके वो स्टॉक्स शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे हमें आ, निफ्टी 500 ही हमारा इंडेक्स रखना है मैं वही रखती हूँ एफ एंडो स्टॉक्स में देखना है तो एफ एंडो स्टॉक्स में देख लो आप अपनी वॉच लिस्ट बनाना चाहते हो अपनी वॉच लिस्ट बना लो अब एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करती हूं अगर मेरे पास ऐसी कोई पोजीशन सेल में आ जाए तो लेट से निफ्टी 500 हमने लिया और इसमें से कोई स्टॉक ऐसा है जिसको मैं सेल करना चाहती हूँ और अगर वो डेली में कहीं सेल में आ गया तो अभी तक नहीं दिख रहा है कोई दिखे ये देखिए जैसे हिंदुस्तान जिंक ये सेलिंग जोन में है बिल्कुल और थर्टी मिनट्स थर्टी मिनट्स भी करीब करीब सेलिंग जोन में ही है कह सकते हैं बट मैम वो एम थोड़ा बुलिश वाली साइड में नहीं नेगेटिव जोन नहीं देखो हाँ वो जब बाद में आया था नहीं ओपनिंग से ही गैप डाउन है चलिए ठीक है इसमें नहीं करना आपको कोई और देख लेते हैं ऐसा कुछ दिख जाएगा तो लेटेस्ट सी इसमें कितना टाइम लगता है बताइए मैं जाके देख रही हूँ कितना टाइम लग रहा है वेरॉक इंजीनियरिंग फिफ्टी के नीचे आ गया बिल्कुल लेकिन एम पॉजिटिव क्रॉसओवर भले ही साइड में लेकिन पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहा है ठीक hmm. है ये वाला स्टॉक राइट ठीक है ना अभी जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ ले रही हूँ यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है थर्टी मिनट्स में hmm. आया नीचे सेम सिनेरियो है तो मेरे पास अगर स्टॉक्स है इसके तो क्या मैं उसको उसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट थर्टी परसेंट क्या मैं उसको बेच के वापस नीचे ले सकती हूँ तो मेरी कॉस्टिंग कम हो जाएगी थोड़ी तो नहीं हम नहीं। क्या सोचते हैं अरे मेरा पोर्टफोलियो गया आज तो ये शेयर गिर ही रहा है आज तो ये शेयर गिर रहा है मेरे पास होल्डिंग में पड़ा है मैंने गया है, तो गया आज तो ये लाल हो जाएगा इसमें से मैं थोड़ा सा पैसा निकाल सकती हूँ और उससे या तो मैं शेयर ले सकती हूँ उसी के ऐड कर सकती हूँ एक या दो क्वांटिटी जितना प्रॉफिट हुआ है और या फिर मैं उसको अपनी कॉस्टिंग में कम कर लो। तो नेक्स्ट टाइम जब वापस वो भाव आए तब तक तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊँ से बढ़ेगा अगर बढ़ेगा जो भी होगा ऐसा कर सकती हूँ बिल्कुल तो तो, शुरुआत में हम हमारे पोर्टफोलियो से ही शुरू कर सकते हैं पर, नहीं हम स्टॉक लेने के बाहर का दूसरा स्टॉक क्यों देखें बात हाँ घर से शुरू कर दे। जब हमारा पोर्टफोलियो टूट रहा है तो हमें तकलीफ होती है भाई ये देखिए ये है फिफ्टी के नीचे ये देखिए नेगेटिव में नेगेटिव क्रॉसओवर थर्टी मिनट्स ये देखिए अगर यही स्टॉक बेच के पाँच चार पाँच रुपया नीचे अगर नीचे मिल जाता है और मेरे पास ये स्टॉक हो जाए तो क्या बुरा है मैं इस जैसे इस ट्रेड में हमारा कंफर्मेशन कब आएगा ट्रेड का ये हमने ओपन हाई पे लिया होगा ना ओपन हाई है बट इसमें जैसे ओपन हाई वन परसेंट के वन परसेंट के हिसाब से है ओपन हाई तो नियर बाई है मैम हाँ राइट एक टका है करीब आप इसको ट्राई कर सकते हो मैं तो करती हूँ क्योंकि पढ़ा पढ़ा शेर उसको ऐसे ही पढ़ा रहने दे दुखी होते रहे उससे क्या फायदा तो हम इसको देखो मैं खाली शॉर्टिंग कर रही हूँ कितना टाइम लग रहा है इस चीज़ को शॉर्टिंग करने में या स्क्रोल करने में हम बैठे बैठे मार्केट ऐसे देखते देखते पूरा दिन निकाल देते हैं उस चीज़ उसके बदले में हम इसको क्यों ना करें

हाँ जी ओके तो दूसरा सवाल मैम कि क्या हम मैं इसे पहले तो मैं कैश से ही कर रहा हूँ इसे और अगर मैं अच्छा हो गया हूँ क्या मैं उस अगर स्टॉक का डेरिवेटिव अवेलेबल है तो उसकी तरफ बढ़ना बढ़ जाओं? मतलब उसमें भी सेम सेटअप के साथ से ट्रेड ढूंढ के ले सकते। बिल्कुल कर सकते हो लेकिन दो साल तक तो मत करो ना ठीक है मतलब अगर, अगर आप नए ट्रेडर हो और मार्केट में नए नए आए हो तो दो साल तो कैश में अपने हाथ जमाओ ना और उतना पैसा कमा लो कि आप ऑप्शंस में काम करो और उसमें अगर आपको लॉस हो जाए तो आपको दुख ना हो ठीक है इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ देखो ये जो है ना तुम लोग कॉमन प्रॉब्लम है मैं मैं पड़ा बहुत कब, बड़ी प्रॉब्लम है अरे आप इंट्रा डे लेके बैठे हो ना तो फोकस इंट्राडे पे रखो ठीक है ऐसा नहीं है कि मेरे को आए जिसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा लॉस हो रहा है तो मैं इसको घर पे लेकर जाऊंगा इंट्राडे का ट्रेड इंट्राडे में फिनिश ओके दैट यू हैव टू बी दैट हार्श वाइल ट्रेडिंग अपने आप से सॉफ्ट होने की कोई जरूरत नहीं है hmm. इंट्राडे का ट्रेड है ना आपको डिलीवरी बेस्ड ट्रेड करना है तो डिलीवरी बेस्ड का पोजीशन देखिए मंथली वीकली डेली फिर आप इंट्राडे ट्रेड क्यों ले रहे हो बिल्कुल मैम तो इंट्राडे सोच के लिए वो इंट्राडे पे खत्म होना ही चाहिए बस मेरे इतने सवाल देखो रूल्स आप अच्छा चलो मैं आपको एक और बात कहती हूँ आप अपने हिसाब से कोई भी रूल्स डिफाइन है। जो आपको पसंद आए आप अपने रूल्स डिफाइन कर लो बट फॉलो दैट जो भी आपको पसंद आए रूल्स बनाओ एक तो आप जानते ही हो मार्केट में तो मार्केट के हिसाब से आप अपने रूल्स बनाओ बट फॉलो दैट इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करो कि आपके रूल्स आप भी नहीं तोड़ सको दैट शुड बी योर रूल्स ओके ट्रेडिंग इज इजी वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड जस्ट विथ आवर नेचर माइंड सेट फिर बोल देते मेरा माइंड सेट बराबर नहीं था माइंड सेट बराबर नहीं था रूल्स आप भूल गए बीच में आपको मशीन बन के काम करना है स्टडी के टाइम पे आपको जितनी करनी है वो करो। तो उसी पे फॉलो करना है आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा हमने सारे डाउट्स कवर करने की पूरी कोशिश की है अगर फिर भी कोई रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा हमारी टीम उसे सॉल्व करने का ट्राई करेगी और अगर आपके कुछ पर्टिकुलर फेवरेट स्टॉक्स हैं तो उसकी भी लिस्ट डाल दीजिए अगर हम इसका पार्ट टू बनाते हैं बहुत सारे डाउट्स आते हैं तो इसका हम पार्ट टू भी बनाएंगे उसमें आपके वो चुनिंदा फेवरेट स्टॉक्स हम लेंगे आई uh, होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और लर्निंग वीडियोज के साथ हम आते रहते हैं थैंक यू